वाओ, एक भी मछली नहीं है मेरे पास, तो काफ़ी मछलियाँ हैं यार। वाओ मस्त है ना। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, वीडियो होने वाला है नो इंटरनेट फॉर 4 डेज। 4 दिन से इंटरनेट है ही नहीं, इसलिए मैं दिल्ली आई थी, पर दिल्ली बंद था। दिल्ली में आपका स्वागत है, लेकिन बंद गेट के साथ। ये देखो, सारा ही बंद है। वाओ वाओ, स्वागत कैसे करेगा दिल्ली हमारा, आप बताओ। उधर से बंद था, लेकिन हम लोग रुके ही नहीं, आ गए। धन्यवाद, पुनः आपका आगमन प्रार्थनीय है। गेट तो खोलो भाई, अगर बाइक रहता तो शायद निकल जाता एकदम उधर से। ये लोग सो गए क्या इधर लगा के? रिटर्न चलो। बहुत सारे रास्ते होते हैं, बहुत सारे रूट हैं दिल्ली में जाने के लिए, जरूरी नहीं है कि एक ही रास्ता हो। आए हैं दिल्ली, नेट तो चल रहा है, और पिछले 3 दिन से नेट एकदम नहीं चल रहा था। एक दिन मैं सडनली सो के उठी, मैं नेट चलाई भी नहीं, कॉफ़ी पी, उसके बाद मैं सोची थोड़ा सा नेट ऑन करूँ। नेट ऑन की हो ही नहीं रहा था, फ्लाइट मोड पर की, फिर ऑन की, नहीं हो रहा था। फिर उड़ती उड़ती खबर आई कि भाई नेट बंद कर दिया गया है सरकार के द्वारा। उसके बाद मैं फिर 199 पे 121 पे कॉल करके कंफर्म की, तो पता चला कि हम जिस एरिया में रहते हैं वहाँ पे इंटरनेट 3 दिन के लिए बंद है। गाइस, अभी हम लोग आए हैं बाहर कुछ खाने के लिए, और मैं इतना सब कुछ ऑर्डर कर दी हूँ, पता नहीं खा भी पाऊँगी कि नहीं। पहले भी करके ला सकते थे। नहीं, तुम पता नहीं कहाँ जाने वाले थे, हमें हम क्या पता? कहीं भी ऑर्डर लेके आओ तो। नहीं जाएंगे, हम सुस्त हैं और हम सोने जा रहे हैं। लाइट मत ऑन करो यार, पता नहीं कौन सा दिन चल रहा है, क्या चल रहा है, कि कुछ भी करने का मन नहीं करता है। पकड़ो पकड़ो, वाओ। मन पकड़ा के स्पीड में चला रहे हैं, 100-220 चला लो आज तुम। गाइस ये देखो, 2 मोहितो, 1 वर्जिन मोहितो। अरे पकड़ो पकड़ो, बर्गर। ये देखो गाइस, गार्लिक ब्रेड मैं फर्स्ट टाइम खा रही हूँ। फिर मुझे तो बहुत मजा आ रहा था, मुझे तो बड़ी सुकून वाली नींद आई थी, एकदम कोई दिक्कत नहीं हुई थी। मैं सोच ही रही थी कि मैं बनाऊं वीडियो कि मतलब मैं 4-5 दिन तक इंटरनेट नहीं यूज करूंगी, ऐसा कुछ बनाऊं। और जब मैं सोच रही थी तब सच में ऐसा हो गया, मतलब कितना वो है ना, मतलब मैं सोच रही थी बनाने के लिए और ऐसा सच में हो गया कि इंटरनेट बंद ही हो गया। वाईफाई काम कर रहा था, बस नेट काम नहीं कर रहा था। और यहाँ दिल्ली के रोड पे बहुत सारे पंजाबी हैं, शायद ये लोग कुछ करेंगे, पता नहीं क्या कर रहे हैं, क्या मांग कर रहे हैं, मुझे तो मालूम ही नहीं है। पंजाब के लोग हरियाणा से होते हुए दिल्ली में एंटर करके क्रूज कर रहे हैं, कुछ उनकी मांगे हैं जो सरकार नहीं पूरा कर रही है, तो उसको पूरा करेगी तब ये लोग ये सब बंद करेंगे। एक बार मैं बाहर जा रही थी कॉफी पीने के लिए, बड़ी क्रेविंग हो रही थी मुझे बाहर का कॉफी पीने के लिए। फिर मैं जा रही थी, फिर मैं देखी रोड ही बंद था भाई, इतने ऊंचे ऊंचे पत्थर लगा दिए थे, समझ रहे हो, और नीचे जो है ना कील लगा हुआ था, अगर आगे लेके जाओगे तो आपका गाड़ी पंक्चर हो जाएगा भाई। गाइस ये देखो, ये लोग फार्मर स्ट्राइक हुआ है तो बंद कर दिए हैं, पूरा रोड है ये। दिल्ली आते टाइम पे सारे रास्ते ब्लॉक हैं, इतने खराब रूट से आए हैं ना, मतलब पूरा धूल उड़ रहा था यार लिटरली। गाइस देखो कितना लंबा जाम लगा है। और भी है, शायद क्लियर नहीं आ रहा है। दिल्ली का रोड बंद है, सारे लोग बैक ले रहे हैं यार, ये देखो बहुत ही लंबा जाम लगा है। और मैं ये बुक लाई हूँ पढ़ने के लिए, बहुत पढ़ाकू हो रही हूँ।
विदाउट इंटरनेट लाइफ बहुत अच्छी चलती है। यहाँ पे कुछ पुरानी चीज़ें रखी गई हैं, लुक एट दिस। और यहाँ पे हम लोग खाना खाए हैं एंड दिस इज़ माई चाय। कल मैं पहली बार सरसों का साग मक्के दी रोटी खाई हूँ और मैं इतनी पागल हूँ, इतना तेज भूख लगा था, मैं तीन खा गई, तीन रोटी। और रात में और गले में इतना जलन, इतनी बर्निंग हो रही थी। मैं सोच रही थी कहीं से कोकोनट वाटर मिल जाता तो सही रहता, मैं सोच रही थी कॉफ़ी मिल जाता, फिर मैं सोच रही थी हनी मिल जाता, यार इतना जलन था। मैं नेट पे चेक कर रही थी क्या करूं, नींद ही नहीं आ रहा था, पूरा मैं सो रखा था यार। अभी मैं ब्लैक कॉफ़ी पी हूँ, मैं कभी भी बाहर आउटसाइड ब्लैक कॉफ़ी नहीं पी हूँ, आज मैं ट्राई करूँगी कि मैं पीऊँ। और मेरे वीडियो पे एक लोग कमेंट किए थे कि आपकी वीडियो अच्छी होती है बट थोड़ी बोरिंग होती है, 2 मिनट की वीडियो बड़ी बोरिंग थी जो मैं साउंड लगा के काम कर रही थी। अच्छा जी ठीक है, मैं ध्यान रखूंगी। बाकी आप चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो यार, प्लीज। बिना इंटरनेट का लाइफ बहुत ही अच्छा होता है। आप बुक्स पढ़ोगे, आप सोचोगे क्या करूं, योगा करोगे, आप एक्सरसाइज करोगे, आप बाहर वॉक करने लगोगे, आप थोड़ा सा काम करोगे जो घर का काम होता है, लाइक कपड़ा फोल्ड करना, ये वॉश करना, इस्त्री करना, कुकिंग, बर्तन धुलना, ये सब आप बड़े आराम से करने लगोगे। इंटरनेट ऐसे जकड़ रखा है ना इंसानों को, समझ में ही नहीं आता कि इंसान कर क्या रहा है। सच में इंटरनेट इंसान को जकड़ रखा है, तो मेरे बात को मानो। तुम एक बार ट्राई करना, मैं एक वीडियो बनाई थी कि 24 आवर्स लिविंग विदाउट अ फोन, क्या दिन था मेरा वो। बट हम लोगों की हैबिट बहुत गंदी हो गई है यार, हम लोगों को चाहिए ही इंटरनेट यूज करने के लिए। आपको पता है हमारे रूम के बगल में जितने लोगों का रूम है, सब लोग पागल हो रहे थे इंटरनेट के लिए, जैसे सांस ही नहीं आ रहा था उनको, कह रहे थे इंटरनेट इंटरनेट इंटरनेट। मुझे नहीं हो रहा था, मैं सोच रही थी हैं ये क्या कर रहा है, मतलब इतना वो हो गया। मैं तो सोच रही चलो 3 दिन तक फोन नहीं चलाएंगे, मजा ही मजा है। लोग पता नहीं कहाँ कहाँ तक जा रहे थे कि इंटरनेट नहीं है, इंटरनेट नहीं है। मैं अपने घर से मतलब कि 200 किलोमीटर या 100 किलोमीटर दूर आई होंगी, 100 से भी ज़्यादा 200 किलोमीटर दूर आई थी, तो फिर इंटरनेट चला था भाई, दिल्ली में चल रहा है। हेलो हेलो, हाँ भाई, हाँ जी नमस्कार जी। हाँ नमस्कार, कौन? गाइज ये देखो, जब गले में जलन हो नारियल पानी पीने से जलन सही हो जाता है। मैं कॉफ़ी ट्राई की, कोल्ड कॉफ़ी ट्राई की, ब्लैक कॉफ़ी ट्राई की, नहीं सही हुआ, तो मैं अभी नेट पे सर्च की तो ये मिला। फिर मैं बाकी यही था मेरे लाइफ में जो भी हो रहा था वही मैं आपको बताई। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा वीडियो, फ्रेंडली एंड फैमिली वीडियो है ना। ठीक है, बाय गाइज, लव यू, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।